हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 4 ऑफ 9th क्लास संस्कृत विद सेवा परम ज्ञानम। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 4 पित सेवा परम ज्ञानम का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, हमें यहाँ पर एक पद में आंसर बताना है। ठीक है, क नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। मदन विनोद कस्य पुत्र असित। मदन विनोद किसके पुत्र थे? मदन विनोद किसके पुत्र थे? इसका आंसर आ जाएगा हरिदत्तस्य, मीन्स हरिदत्त के पुत्र थे। ठीक है, मदन विनोद हरिदत्त के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, मदनम विनोदेन स्वर्ण पक्षस्थ शुक कुत्र स्थापित है। मदन विनोद ने सोने के पिंजरे में स्थित शुको को कहाँ रखा? मदन विनोद ने सोने के पिंजरे में स्थित सुक को कहाँ रखा? इसका आंसर आएगा शयनयन कक्ष, सोने वाले कमरे में। ठीक है, शयनयन कक्ष, सोने वाले कमरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, त्रिविक्रम नामा द्विजः कस्य सखा असित। विक्रम नाम का ब्राह्मण किसका मित्र था? विक्रम नाम का ब्राह्मण किसका मित्र था? इसका आंसर आएगा हरिदत्तस्य, हरिदत्त का। ठीक है, विक्रम नाम का ब्राह्मण हरिदत्त का मित्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, देव शर्मा कुत्र तपह अक्रोत। देव शर्मा कुत्र तपह अक्रोत। देव शर्मा ने कहाँ तपस्या किया? देव शर्मा ने कहाँ तपस्या किया? इसका आंसर आ जाएगा गंगा तीरे। ठीक है, देव शर्मा ने गंगा के किनारे तपस्या किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवस्म परी केन पुरुषोत्कर कुतः। देव शर्मा के ऊपर किसने टट्टी किया? देव शर्मा के ऊपर किसने टट्टी किया? इसका आंसर आएगा बलाकी, मीन्स बगुली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित प्रश्न एक वाक्यानम उत्तरम लिखत। ठीक है, नीचे लिखे प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखो। ठीक है, नीचे लिखे प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें क नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। मदन विनोद पितु शिक्षा केन कारणे न शृणोति। मदन विनोद पितु शिक्षा केन कारणे न शृणोति। मदन विनोद पिता की शिक्षा किस कारण से नहीं सुनता था? मदन विनोद पिता की शिक्षा किस कारण से नहीं सुनता था? इसका आंसर आ जाएगा मदन विनोद पितु शिक्षा दुख से ननो कारण न शृणोति। मदन विनोद पिता की शिक्षा दुख के कारण नहीं सुनता था। ठीक है, दुख के कारण नहीं सुनता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन विनोदस्य आसक्ति केशु असित। मदन विनोद का लगाव किससे था? मदन विनोद का लगाव किसमें था? इसका आंसर आ जाएगा मदन विनोदस्य आसक्ति धूत मृग वेश्य मधादिषु असित। मदन विनोद का लगाव जुआ खेलने वेश्यावृत्ति और मदिरापन आदि में था। ठीक है, मदन विनोद का लगाव जुआ खेलने वेश्यावृत्ति और मदिरापन आदि में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, द्विज पत्नी देव शर्माणम किम उत्क्वती। ब्राह्मण की पत्नी ने देव शर्मा से क्या बोली? ब्राह्मण की पत्नी ने देव शर्मा से क्या बोली? इसका आंसर देख लेते हैं। द्विज पत्नी देव शर्माण, द्विज पत्नी देव शर्माण ना हम बला केव त्वत्को पश्चात्नम उक्तवती। ब्राह्मण की पत्नी देव शर्मा से बोली, मैं तुम्हारे बालक को स्थापित नहीं की हूँ। मैं तुम्हारे बालक को स्थापित नहीं की हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देव शर्मा विस्मित है, देव शर्मा विस्मित है कथम सज्जात है, देव शर्मा किस तरह से विस्मित हो गए, देव शर्मा किस तरह से विस्मित हो गए, इसका आंसर आएगा देव शर्मा विस्मित है प्रच्छन्नत पात का ज्ञात नातीत सज्जात है, देव शर्मा छुपे हुए पापी ज्ञान के कारण विस्मित हो गए, ठीक है, छुपे हुए पापी ज्ञान के कारण विस्मित हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देव शर्मा व्याधम, देव शर्मा व्याधम की दशम अपश्यत, देव शर्मा ने बहेलियाँ को किस तरह से देखा, देव शर्मा ने बहेलियाँ को किस तरह से देखा, इसका आंसर आ जाएगा देव शर्मा व्याधम रक्तस्तम यम प्रतिमम मांस विक्रय विधान अपश्यत, देव शर्मा ने बहेलियों को रक्त रंजित हाथ था मांस बेचते हुए देखा, ठीक है, रक्त रंजित हाथ था मांस बेचते हुए देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अधोलिखित प्रश्नानी उत्तराणी लिखत, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें, ठीक है। क नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, शुको देव शर्मण, शुको देव शर्मण पतनाय किम कारण मवचत, तोते ने देव शर्मा के पतन के लिए क्या कारण बताया, तोते ने देव शर्मा के पतन के लिए क्या कारण बताया, इसका आंसर आएगा शुको देव शर्मण पतनाय पित्रोस्ते दुख खिनोर्दो खातपत सुरचो भूवि कारण मवचोत, तोते ने देव शर्मा के पतन का कारण बताया कि तुम्हारे पिता दुख से दुखी थे और उनके अश्रु भूमि पर गिर रहे थे, ठीक है, तुम्हारे पिता दुख से दुखी थे और उनके अश्रु भूमि पर गिर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ख, बलाका कथम भस्म भूता जाता, बगुला किस तरह से भस्म हुआ, बगुला किस तरह से भस्म हुआ, इसका आंसर आ जाएगा बलाका तपस्वी क्रोधग्निना भस्मी भूता जाता, बगुला तपस्वी के क्रोध के कारण भस्म हुआ, बगुला तपस्वी के क्रोध के कारण भस्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ग, के जना निन्दधमना जीवंती, कौन लोग निंदनीय जीवन जीते हैं, कौन लोग निंदनीय जीवन जीते हैं, इसका आंसर आएगा सग्रही मुनि साधु सयोगी सच धार्मिक पितृ शुश्रूषको नित्यम जंतु साधारण सच, वही व्यक्ति ग्रस्त है, वही व्यक्ति ग्रस्त है, वही मुनि साधु योगी है जो पिता की सेवा में नित्य लगा हो, ठीक है, जो पिता की सेवा में नित्य लगा हो, ऐसे व्यक्ति साधारण होते हुए भी श्रेष्ठ है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति साधारण होते हुए भी श्रेष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर घ, व्याध स्वज्ञानस्य कारणम किम उक्तवान, बहेलिया ने अपने ज्ञान का क्या कारण बताया, बहेलिया ने अपने ज्ञान का क्या कारण बताया, इसका आंसर आ जाएगा न पूज्यन्ति से पूज्यान् मात्र मान्यन्ति ये जीवन्ति निंद मानस्ते माता स्वर्ग न यन्ति च, जो पूजा योग्य की पूजा नहीं करते, जो पूजा योग्य की पूजा नहीं करते, मान्य योग्य को नहीं मानते, निंद होकर इस जीवन में जीते तथा मरने पर उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसे लोग निंदनीय जीवन जीते हैं, ठीक है, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता है, ऐसे लोग निंदनीय जीवन जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अस्य पाठस्य असक, इस पाठ का क्या आशय है, इसका आंसर देते हैं अस्य पाठस्य आशय पित्रो सेवा, इस पाठ का आशय है माता पिता की सेवा करना, ठीक है, इस पाठ का आशय है माता पिता की सेवा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अभयस्तंभो यथा योग्य मिलनम करो। ठीक है, हमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलानी है। ठीक है, क नंबर पे देखते हैं, अति विषया विषासक्त उपुत्र है, इसको हम मैच करेंगे, पितुः शिक्षां न शृणोति, पितुः शिक्षां न शृणोति। देख सकते हैं, मदन विनोदनम विनोदन शयन मंदिरे, इसको हमें थर्ड नंबर से मैच करना है, स्वर्ण पक्ष जस स्थापित, तपस्वी गंगा तीरे जपार्थ मुपविष्ट है, जपार्थ मुपविष्ट से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निज्ञानवय प्रणीतम च, निज्ञानवय प्रणीतम यह, तो इसे हमें मैच करना है टू नंबर से, सम्यक धर्म निसेवते, सम्यक धर्म निसेवते। नेक्स्ट देखते हैं, अभवत कीर्तिमान लोके, अभवत कीर्तिमान लोके, इसे हमें मैच करना है फोर्थ नंबर से, परतः कीर्ति भाजनम, परतः कीर्ति भाजनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अधोलिखित संधि नाम विच्छेद कुरु। ठीक है, हमें संधि विच्छेद करना है यहाँ पे, अथे कदा, अथे कदा की करते हैं, अथ प्लस एकदा, अथे कदा यह वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी बताना है हमें, पित्रोस्ते, पित्रोस्ते, पित्रो प्लस ते यह विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, तदंगोपरी, तदंगोपरी, तदंग प्लस ऊपरी, तदंग प्लस ऊपरी यह गुण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, बलाकेव, बलाकेव, बलाका प्लस यू, बलाका प्लस यू यह गुण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विषयासक्त, विषयासक्त, विषय प्लस आसक्त, विषय प्लस आसक्त यह दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है,